एकदम यति बेलामा तराई मधेसको भिजिटको क्रममा छु। तराई मधेस भन्नाले अहिले म ईशनाथ नगरपालिकाको यो तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले 3 बजिरहेछ, 3 बजेको छ। म हेर्दैछु यहाँ स्कुल हेर्नु, तपाईँ स्कुलको बोर्ड लगाइएको छ, कुनै पनि मास्टर पनि छैन यहाँ, कुनै पनि टिचर, कुनै पनि विद्यार्थी छैन। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ मधेसको शिक्षा, मधेसको शिक्षा व्यवस्थाको तपाईँलाई म उदाहरण देखाउँछु। तपाईँलाई एउटा पनि मास्टर छैन यहाँ, एउटा पनि टिचर पनि छैन, एउटा पनि विद्यार्थी पनि छैन। भित्र गएर जानकारी लिनेछु के छ अवस्था, हेर्न सक्नुहुन्छ तराई मधेसको स्कुल। हेर्नु, हेलो नमस्कार, किसान हो रहे कि कोचिङ हो रहे, कोचिङ हो रहे स्कुल बन्द कतना बजे बन्द गरे तिन बजे अपने जाएगी। त्यसैले हेर्नुहोस् यहाँ कोचिङ भइरहेछ, यसको बाहिरको पनि विद्यार्थी हुनुहुन्छ, सबैजना बाहिरको हुनुहुन्छ। तपाईँ स्कुल के विद्यार्थी बाह्र स्कुल के स्कुल यही स्कुल के बाह्र स्कुल के तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ कोचिङ हुँदैछ। मतलब कति राम्रो छ कति राम्रो स्कुलको हेर्नु 3 बजे नै स्कुल बन्द हुन्छ। ईशनाथ नगरपालिकाको कितना नम्बर वार्ड है, 3 नम्बर वार्ड में बो स्कुल इसमें कौन पाते विद्यार्थी पढ़े वाला कौन प्राइवेट लेवल अच्छा स्कूल प्राइवेट लेवल का सेकेंडरी क्या है। तब हेर्न सक्नुहुन्छ यही हो हाम्रो मधेसको शिक्षा, मधेसको व्यवस्था केही छैन यहाँ, न अफिस छ, न विद्यार्थी छ, न विद्यालय छ। हेर्न सक्नु 3 बजे नै स्कुल बन्छ। सर टाइम कितना हो रहा है, मतलब अपने कितना बजे अहिले अपने 3:30 मतलब स्कुल बन्द रहला टाइम में मतलब मास्टर सर नहोला ए अच्छा अच्छा 3 बजे नै यस्तो। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो हाम्रो रौतहटको ईशनाथ नगरपालिकाको स्कुल। म हरेक गाउँमा हरेक वार्डमा मैले घुमिरहेछु, त्यहाँको सच्चाइ देखाइरहेछु, त्यहाँको व्यवस्थाको बारेमा म देश र दुनियाँलाई म देखाइरहेछु। तपाईँलाई म यहाँको गाउँको पुरै दृश्य देखाउनेछु, यहाँको अवस्थाको बारेमा म देखाउनेछु के छ अवस्था, के छ यहाँको सच्चाइ। अलिकति अगाडि पनि जान्छु, यहाँको केही स्थानीय सहभागी हुनुहुन्छ, उहाँसँग म जानकारी लिनेछु के छ अवस्था। ओ नमस्कार, कति नाम है सर स्कुल भाइ, कति बजे बन्द हुन्छ बताउ, लोकसँग बता दु हामीले स्कुल कति बजे बन्द हुन्छ। ठीक बाके सर्वा करवा दे करवा दे हमी के हाथ में कथी बस सर्वा करवा सरकारी स्कूल में मास्टर टाइम पे ना 3 बजे स्कूल बंद करके पूरा मास्टर फिरा 3 बजे से पहले यहाँ दाजू अपने कथी कहते कुछ बोलू के अपने का दुकान बोलिए पढ़ाई होबे ना करे बोली कथी ना होकर यहाँ पढ़ाई कथी हो अला का मतलब देख लड़कों का तो घेरे के चाहिए सही बात बाटे अपने बच्चा पढ़ लेंगे अभी अपने बच्चा पढ़ लेंगे ना हमारा लड़का नहीं कहाँ पढ़ा भी वही तो लगा बोर्डिंग में अब मतलब अब नमर हो गया खेती होती खेती होती कारण है ये पढ़ाई हो गई ना ये मैं विकास करूँ मजे से नहीं संभाल लेती सरकारी पैसा कहते मालूम बहुत पैसा निकाल लेती मुझे निकाल बता कितना भी नहीं हो हम लोग ग्राउंड जीरो को रियलिटी तब हेन सकूँ यो और गाँव में छू अल हम रुदौड़ को ईशनाथ नगरपालिका में गलत बात बा कम से कम एक बार मास्टर से हम भेट ना बेला बात करते हुए 3 बजे चढ़ गया अब कहाँ से मास्टर भेटे एगो मोरलू इलाका आयल तो कहा जाए हम मतलब गाँव कोनो मन भेल तो आयल नहीं आयल कोनो मतलब नहीं आयल कोनो मतलब ना देखो ये हमारे तराई मधेस आप ही बुझन अच्छा ठीक बात हम तो गाँव गाँव में घूमे तो देख लिया तो हम रुक गए अपने साथ बात भी कर रहा हूँ करते